सो गुड मॉर्निंग गाइस, मतलब गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो रही है, ठीक है। तो अभी उठ चुका है सोकर, नाश्ता वाश्ता करने बैठा हूँ मैं। ये रहा नाश्ता हमारा, और इन्होंने आकर उठाया मेरे को। एक ये रहा, कितने बजे उठाया? दो घंटे से आ रखे भाई, इसे उठाते 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 चार बजने वाले। और एक और का है, हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा किलस के भाग गया, पता पूछते ले क्यों गिल साहब। कल हाथी के बच्चे को गाइस पार्टी में लेकर नहीं गए ना, बुरा मान रहा है। अरे गाइस समझे करो यार, 5,000 रुपये सिर्फ एंट्री है वहाँ पर, 5 रुपये भी नहीं है जेब में, तो फिर कैसे लेकर जाओ यार। मैं बताओ यार, ये चीज तुम बताओ भाई। कई बार मैनेज करना पड़ता है भाई, हम भी कई जगह ऐसी नहीं जाते हैं जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं अभी, लेकिन उसके लिए मेहनत करेंगे, कमाएंगे, फिर जाएंगे। ऐसे उससे मेहनत करवाऊंगा, कमवाऊंगा, फिर लेकर जाऊंगा उसको, तब मजा आएगा। स्टेटस बनवाऊंगा, बाहर उदास बैठा हुआ है कि मेरे को लेकर नहीं गया, तू सबको लेकर चले जाता है, ये वो ऐसे करके। कोई नहीं, लेकर जाएंगे उसे। चलो भाई फटाफट अपना नाश्ता कंप्लीट कर दे, फिर चलते हैं बाहर। आज बियर सेट करवानी है मेरे को, ठीक है। तो बता दे बाथरूम में इतनी देर तक क्या कर रहा था? ऊपर है अभी तो, क्या बताना क्या कर रहा था? देख मोटा भी आता, चड्डी पहन के आया है मोटे, क्या अबे पूरी चड्डी दिख रही है तेरी। लो देख लो गाइस, इसकी चड्डी कौन सी पहनता है, क्या बात है। ऋतिक रोशन वाला ऐड हो जाएगा अब तो ये। मोटे क्या, मोटन देख सीरियल देख रहा है, सास बहू वाले मैच देख रहा हूँ। कितने रुपए का लगा? 20 रुपए का, 10 रुपए का मोटे? 5 पैसे का, 5 पैसे का। अबे आज इसका भी ये सेविंग सेट करवा देना यार। है मोटे, करेगा सेविंग सेट तू भी? नहीं यार, मैं कल बैठेगी ना, कल सब कुछ के बाद कराऊंगा। कौन बैठेगी कल? कल खत्म होंगे नौराते हमारे। अच्छा, चल दिए गाइस हम अपनी तिजोरी की चाबी लेके। इस तिजोरी में से हमने निकाले 2-4 करोड़ रुपए, जिसमें 1 करोड़ की कटिंग इसकी होगी और 1.5 करोड़ रुपए की कटिंग इसकी होगी। भैया पहले अपॉइंटमेंट तो ले लो। अपॉइंटमेंट ले लो भाई, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है भाई, फिर दोबारा आपसे आना पड़ता है। मैं ब्लॉग बनाया करूंगा अब तेरे में, ऐसे वाले ऐसे ब्लॉग बनाया करूंगा, ऐसे वाले। वो देखो पीछे अंकल को नमस्ते कर दो। 8 बजे आजूगा हमारे और अंकल जी, ठीक हो? अंकल की तो टांड दिख रही है पूरी, बहुत प्रॉपर टांड को उस तरह मार गया अंकल ने। क्या लेते हैं कॉल करके पूछ लेंगे, उससे आगे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वैसे। ले लो भाई, नहीं तो उसकी शादी वैसी हो गई है, रोज घर रहता है वो। ये देखो गाइस, नंबर मत दिखा, ऐसे दिखा 9818, बाकी मैं नहीं बता रहा। अरे देखो फरमान मॉडर्न एरा सैलून ऐसे करे। ओ भाई साहब, हेलो, ठीक है भाई, आज नहीं आएगा ये। ओए मोटे का पराठे का ठेला, पराठे का ठेला लगा दिया है सबके लिए, अपने जो भी वीडियो बड़ो तो वालों के स्पेशल। कड़ी चावल मोटे के 30 रुपए देगा, 50 रुपए की फुल प्लेट देगा, जिसके साथ रायता भी देगा। लाइक करके आएगा उसके लिए फ्री। अगर 100 रुपए दोगे तो गांड भी देगा वसील अपनी। मोटा वसील देगा, ठीक है वो। ये सही नहीं है, कितना टाइम लगा? अरे तो बीएड तो करनी है। ये सही नहीं बोला मैंने, देख 30 रुपए के यहाँ पे रुक जा यार, अभी बात करने दे। अबे अभी बीएड तो बनानी है। बोलो बोलो फरमान भाई, ये पेट ऐप बना पेट के। मैं जल्दी आ जाऊंगा फटाफट, बॉडी दिखा। ओह देखो मोटे को देखो, और पीछे बंदा आ रहा, उसे देखो, मोटे से लाख गुना कम स्मार्ट है वो, और उसकी गर्लफ्रेंड है। नहीं लाख गुना कम स्मार्ट, अरे इसकी गर्लफ्रेंड नहीं यार। बताओ गाइस यार, कुछ करवाओ भाई के लिए। लॉक खोल के क्या करेगा तिजोरी? मैंने बता दिया भाई, मौसम हो रहा है सुहाना, और अपन जा रहे हैं भाई को स्कूटी पे गेड़ी मार रहे, थोड़ा सा घूम के आते हैं। हाँ भाई, कैसा मौसम हो रहा है आज? ऐसे मौसम में गाइस गेड़ी मारो और व्हीली भी मार दो। ऐसे मौसम में गेड़ी मारो और व्हीली भी मार दो भाई। नहीं भाई, व्हीली व्हीली मत मार यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। हाँ भाई वसील, कैसा मौसम लग रहा है भाई? मौसम मेरे लिए बहुत बेकार है आज, मौसम बड़ा सुहाना है। रोमियो भाई से टिप्स ले लो, किसी का अगर दिल टूटा हुआ ना, तुम्हें पता लग जाएगा ब्रेकअप किसका हुआ है। हां भाई, तुझे पता लग जाएगा ब्रेकअप हुआ है कि नहीं हुआ। देखो भाई, जो बंदा इस चीज के बारे में ज्ञान देता है ना, वो भुगत चुका होता है, चुका होता है, समझ रहे हो ना।
ज्यादा ज्ञान देता है वो भुगत भोगी होता है। हम में फंस चुके थे तो अब वसील जाम खुलवाने लग गया है। वसील भाई क्या कर रहे हो? हमारा रोमियो जाम में फंसा हुआ है, अब उसे जाम से निकलवाना है। भाई जाम में फंसे हुए पूरा रोमियो कहाँ गया भाई? आगे लगा लो आगे। वसील इंस्पेक्टर बना नहीं है पर बनने की कोशिश कर रहा है। ये आ गया रोमियो भाई जाम में फंसा हुआ है। जाम खुलवा रहा वसील भाई, जाम खुलवा चुके ले भाई ले ले भाई चाबी ले भाई। वसील वसील अभी पुलिस वाला बना नहीं है पर बनने की पूरी पूरे लक्षण है इसके अंदर। चलो चलो भाई चलो चलो भाई बहुत गंदा काम है। बाय 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 बाय। आ जा रोमियो। अरे भाई इधर से तू निकलेगा तो यार तू उधर रोंग साइड ले गया। वसील बहन जो अगर तू पुलिस में भर्ती हो गया तो इन लोगों के चालान काटेगा? फोन गिर गया रुक जा। ओ हाँ तेरी माँ की बहन के लड़ने का फोन टूट गया। तोड़ दिया कहाँ टूटा? ये तो बना। ओ भाई इसका फोन गिर गया यार जेब से भी कान फट गई। तोड़ दिया दल्ले। बहन के लड़ने मुटने ने क्या करा? सीन हो गया भाई बंदूक। फोन निकल गया जेब से इसकी। हाँ भाई रोमियो भाई हम आए क्या क्या फेस करके आए रास्ते में ये तो बता दो यहाँ आने के लिए। मैंने पता नहीं क्यों इतना जाम है फेस्टिवल के इसमें ना। और एक घटना घट गई हमारे साथ भाई के साथ। भाई का भी सारा फोन चटक गया। कितने का नुकसान हुआ पता है? अगर ओरिजिनल लगवाओगे तो 15,000 रुपये आराम से, और अगर लोकल लगवाओगे तो 3,500 मैक्सिमम। अच्छा अच्छा बियर सेट कटाने लेके आया तू भाई को है? काली बिली की थोड़ी मेरे दोनों टूटे हुए तोड़ा है तो भाई टूटा। भाई मैंने तो संभाल के रख रखा था ना अपना फोन आपको मांगना चाहिए था ना टाइम से। भाई ले लो जेब में। चलो कोई बात नहीं वसील भाई गुस्सा ना खाओ। कोई बात की क्या बात नहीं इसमें? कोई बात नहीं यार ठंडा खाओ ठंडा खाओ पानी पिया पानी तो पिया। अच्छा भाई इतनी दूरियां आए हैं ऐसा क्या है भाई सैलून के अंदर? हमारे घर के आस पास सैलून नहीं है। और भाई तो फिर बाल कभी भी अपना डॉक्टर दूसरा टेलर और तीसरा हेयर स्टाइलिस्ट कभी चेंज मत करना। बाल सेट कराने अभी पे क्यों जाते हो? वो तो हेयर बस स्टाइल करता है ना, वो कट नहीं करता ना, कट तो ही करवाता हूँ। चलो भाई अभी बियर्ड सेट कराने के बाद बस दिखाते हैं भाई कैसा लगता है। कैसा क्या लगेगा वो शाहरुख खान थोड़ा लगेगा लगेगा तो टोपा ही। इन भाई के अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें 3 दिन लग गए हैं। और मुस्कान देख रहे हो इनकी और ओ तेरी भाई बाल ही इतने 4-5 दिन लगातार कटेंगे ये 4-5 दिन में एक हफ्ता भी लग सकता है। हर जगह भाई को तो सब उधेड़ते मोटे को तो क्या लग रहा हूँ इधर से तो सही लग रहा है उधर का पता नहीं इधर से भी सेट हो रही है। इधर से थोड़ा सही नहीं लग रहा बट इधर से सही लग रहा है। कभी किसी से मिलने जाता ना तो इधर वाला फेस ज्यादा दिखाएगा उसे उधर का मत दिखाएगा ऐसे ही बस। क्या पढ़ रखा तूने? ये क्या पकड़ रहा तू कपड़े के नीचे? अंदर दूसरी चाबी पकड़ रहा था तू चाबी लोड कर रहा है चाबी दूसरी पकड़ रहा है गलत बात है तो चाबी पकड़ के बैठा भाई उल्टी जगह सीधी जगह मत मार देना उस तरह इसको। नहीं सर वो तो इसको इसको पूरी जा जाता है इसको मार सकते हो तुम जहाँ मर्जी यहाँ पे यहाँ पे इसके तो छेनिया थोड़े तो बाल कटेंगे पहले पहले छेनिया थोड़े लगेंगे नहीं भाई वो ले आएंगे पेड़ काटने वाला वो खच्चा सा जो होता है उससे कटवा लूंगा। सारी मशीन ले आएंगे इसने ना संन्यास ले लिया मैं बाल नहीं कटाऊंगा। कल 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 करवाएगा ना बियर्ड? कल शाम को करवाएगा सुबह बिल्कुल भाई बढ़िया करवा लियो बियर्ड भैया क्या जंगल ये ऐसे अबे परमेश वर्मा की तरह करवा दे। हां परमेश वर्मा की तरह करवा दे तो तगड़ा लगेगा। लगता भी तो परमेश वर्मा ही है बस खाली थोड़ा थोड़ा बस ये बियर्ड सा थोड़ा सा वो है ना मैंने बोला ना खाली बियर्ड से। अबे सही लगता बॉडी दिखा देना एक बार बॉडी है काम आई दिखाने लायक। अबे तो पेट दिखा दे ये क्या चीज है इसे लगाना एक बार
बहुत ज्यादा ही लगा दिया आउटर सेव लग गया इसको, चीज नहीं लगी पड़ गई। मोटे तुझे भी लगाऊं? अरे हैंडसम हो जाएगा। मोटे की लुली पता है? एक बार मोटे बता रहा, मेरी लुली ऐसी है जो खा लेना उसके अंदर है बिल्कुल पूरी की पूरी है। मोटे ऐसी है ना, तुमने लेके देखा था तभी तुझे पता। अड़ जा अड़ जा अड़ जा। सो गाइस अभी नहा धो के रेडी हो चुके एकदम मस्त तरीके से, और अभी अभी मैंने देखी लोकेश की रील रफ्तार भाई के साथ, भाई मजा आ गया भाई, एक नंबर रील बनाई। कभी अपन भी किसी सिंगर के साथ ऐसे रील बनाएंगे भाई, कॉलेज बढ़ा लेंगे, मजा आ जाएगा। वो दिन एक दिन दूर सही है, ज़्यादा ही बड़े सपने देख लेता हूँ मैं। चलो छोड़ो वो चीज़ छोड़ते हैं, अभी अपन चलते हैं बाहर सीधा दोस्तों के पास। अपने बाहर जाके कुछ खाएंगे, भूख लग रही है थोड़ी सी, डोसा वोसा कुछ खा कर आएंगे। ये देखो हाथ भाई कैसे फट गया है, देख रहे हो भाई, ये पता कैसे फटा है, गेम खेल के नहीं खा ला रही है अंदर से, चीज़ मार रहा है। छोड़ो इसका, यहीं छोड़ देता, ना कर निकलो ना मैं अभी, तो चीज़ मार रहा। तो आज दुर्गा पूजा देखते हैं गाइस, आसपास हो रही है हमारे, तो एक बार जाकर देखते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, बाहर जाकर देखते हैं पहले दुर्गा पूजा। ठीक है अपने दोस्त साथ चलते हैं भाई। वैसे तो पाव भाजी अपने यहाँ भी मिलती है, लेकिन भाई को खानी थी सिर्फ यहीं की। भीड़ दिखा, यहाँ भीड़ देख लो एक बार, यहाँ पे सिर्फ टिक्की की, मतलब बहुत अच्छी पाव भाजी है यहाँ की। गर्म हो जाएगी जब तक, फिर दोबारा लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारा नंबर पता नहीं कब तक आएगा, देखो भाई 200 साल बाद अपना नंबर आ गया, बड़ी देर बाद। अब खाएंगे मस्त, चीको खेल रहा है गाइस, ये हरा पाएगा है कंप्यूटर को, हरा पाएगा ये। क्या करा तूने? बेकार है, डब्बा बंद हो गया। 90,000 का है भाई ये डब्बा, अम्मा का बढ़ेगा, अम्मा वाला सस्ता था थोड़ा, 10 के 6 सिक्के दे दी थी, खेल हारेगा जीतेगा ये बता इसमें, तू तो पहले भाई हमें मिस्टर करना चालू, कोई नहीं हरा पाएगा इनमें से मेरे को गाइस। अपन ये गेमर सबसे बड़े यहाँ पर, लेकिन मैं भी कंप्यूटर वाले को नहीं हरा पाता। इन्होंने बहुत हार्ड कर रखा है करने, एकदम हार्ड। चल रुक जा मैं डाल रहा हूँ, ओए इसमें भी नहीं, इसमें अबे इसमें खेलना है ना, ये भाई एक और यार क्यों टेंशन ले रहा है, बहुत पैसा। ये देखो दोनों का चालू हो चुका है राउंड वन, पहले मैंने अच्छी बार कर दी। रोमियो ने जिल ले रखा और चीकू ने ले रखा पॉल। देखते कौन जीतेगा, तुम ला दो पहला राउंड तो जीत गया रोमियो, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। अब चीकू में पिटाई लग रही है तो वो बुला रहा अपना सपोर्टर। अरे भाई बहुत मार रहा, आने जरा लग गया, मार जल्दी। रोमियो ने एक चांस दे दिया चीकू को ताकि फाइनल हो जाए। भाई चीकू को जीत दी गई है, ये तो भीख में दी है जीत। हाँ देख रहा हूँ मैं अभी, देख गया ये बिठा के बक्की भर दी गरम को भी ले लिया इनने, बहुत गंदा मार रहा है, दो बंदे घायल कर दिए इनने, गया भाई ये तो। चलो भाई जीत गया, गेमर तो गेमर ही होता है, तो कॉम्पिटिशन चल रहा है किसी और बंदे से, अननोन बंदे से। ये देखो पहला राउंड तो रोमियो जीत गया अपना, देखते सेकंड में कौन जीतेगा। रोमियो ही क्या दे, अभी बंदा जाएगा बीच में। ओ दे ओके की रिपोर्ट हो गया, काम क्लियर ले गया अपना रोमियो। ऊपर अपना ऊपर बदलो बदलो भाई,
अरे बहुत बढ़िया, चुपके रहना पड़ेगा। गेमर तो गेमर ही होता है। सो गाइस हम घर पे आ चुके हैं अभी बाहर से घूमकर, और लेकिन एक सीन हो गया है मेरी बाइक पे, शायद कुछ खराबी हो गई है, मेरे को नहीं पता क्या हुआ है, बट कुछ ना कुछ हो गया है, तो वो मैं कल के व्लॉग में देखूंगा आप लोगों के सामने, मतलब कल देखूंगा मैं क्या होगा, तो कल का व्लॉग मिस मत करना। आज का भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, सबको गाइस बाय बाय, लव यू ऑल यार, और गुड नाइट। अब सोने चलते हैं, लेट हो रहे हैं वैसे भी, अभी एडिट भी करवाना है मेरे को ये व्लॉग। तो तुम लोग सो जाओ, मैं भी सो दूंगा थोड़ी देर बाद।